नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, मेरा नाम है दिलीप यादव। हम लोग अपने इस एवरीडे साइंस के प्रोग्राम को स्टार्ट किए हैं और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपके द्वारा जो है बहुत सारी प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, और हम एवरीडे साइंस जो पहली बार आए होंगे चैनल पर उनको पता ही नहीं होगा सर एवरीडे साइंस होता क्या है। तो एवरीडे साइंस क्या होता है, इन सब के बारे में हम आज देखेंगे। एवरीडे साइंस क्या है, हमारे अगल बगल की जो घटनाएं घटित होती हैं उसको हम लोग विथ फैक्ट एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी के साथ लेते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे क्रिएटिव एक्टिविटी को भी देखते हैं। आइए आज हम इसी एवरीडे साइंस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, और इस स्ट्री लवर वीर की फैमिली में इसमें भी हम आपका स्वागत करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लोसिव अर्थात विस्फोटक। जैसे ही हम एक्सप्लोसिव या विस्फोटक का नाम लेते हैं तुरंत सबके दिमाग में आता है डायनामाइट, डायनामाइट, आरडीएक्स, ये सब जैसे महान जो विस्फोटक हैं इन सब के बारे में आपको दिमाग तुरंत पहुंच जाता है। तो इसी विस्फोटक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। विस्फोटक क्या होता है अगर हम पूछे तो विस्फोटक में क्या होती होगी, तो इस विस्फोटक में या तो स्थितिज ऊर्जा होती है, या तो स्थितिज ऊर्जा होती है, या तो आप बोलेंगे रासायनिक ऊर्जा होती है जो विस्फोटक हो रहा है, या तो आप बोलेंगे नाभिकीय ऊर्जा होती है। तो एक्सप्लोसिव अर्थात इसके अंतर्गत आपको विस्फोटक जब भी किसी पदार्थ का होता है तो वहाँ पर तीन प्रकार की ऊर्जाएं आपको देखने को मिलती होगी। एक है स्थितिज ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, और तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा। अब बात आई विस्फोटक है क्या, तो विस्फोटक के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनसे इनके हम बहुत सारे प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे एक है TNG और इसी प्रकार से एक है TNT और इसी प्रकार से एक और एक्सप्लोसिव है RDX। तो आज हम लोग तीन प्रकार के विस्फोटक के बारे में जानेंगे, क्या है सर TNG और क्या है TNT और तीसरा क्या है RDX। तो आपको क्या पता है नोबल का तेल किसे कहते हैं, ऑयल ऑफ नोबल किसको कहते हैं? यदि आपको पता हो ऑयल ऑफ नोबल किसे कहते हैं तो आप जरूर बताइएगा। TNG जिसका अगर हम पूरा नाम लिखें तो ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये TNG का पूरा नाम है। तो TNG का पूरा नाम ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन होता है। हाँ, अभी हम जो आपसे पूछे नोबल का तेल किसे कहते हैं तो TNG ही है जिसको हम नोबल का तेल कहते हैं। तो नोबल का तेल किसे कहते हैं तो आप बताएंगे TNG को नोबल का तेल कहा जाता है। अब मैटर ये आया सर नोबल का तेल इसको क्यों कहा जाता है, तो नोबल का तेल TNG को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो है क्या होता है, जो नोबल अल्फ्रेड नोबल जो है, अल्फ्रेड नोबल जो थे उन्होंने वर्ष 1863 में डायनामाइट का निर्माण किया था। तो डायनामाइट का निर्माण कौन किया था तो आप बताएंगे अल्फ्रेड नोबल ने जो है डायनामाइट का निर्माण किया था। और ये जो TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन है जिसे हम नोबल का तेल कह रहे हैं ये डायनामाइट के निर्माण में उपयोग किया जाता है। तो TNG का उपयोग कहाँ किया जाता है तो डायनामाइट के निर्माण में किया जाता है, और डायनामाइट का निर्माण सबसे पहली बार कौन किया था तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि अल्फ्रेड नोबल जो साहब थे इनके द्वारा जो है डायनामाइट का निर्माण क्यों किया गया था? यदि हम आपको बताएं तो अल्फ्रेड नोबल चाहते थे जो सुरंगों में काम करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही अधिक मेहनत करनी पड़ती है पत्थर को तोड़ने में,
तो इस डायनामाइट का मेन पर्पज जो बनाने का अल्फ्रेड नोबल का विचार था वो था सुरंगों को आसानी से क्या कर देना है, तोड़ देना है, या तो जो है पत्थरों को आसानी से तोड़ने के लिए डायनामाइट का निर्माण किया गया था। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जो है प्राणी है जिन्होंने उसका बहुत ही दुराचार रूप से इन सभी विस्फोटकों का उपयोग किया और इसी के चक्कर में जो है नोबल पुरस्कार दिया जाना स्टार्ट हो गया। वर्ष 1901 ईस्वी से नोबल पुरस्कार दिया जाने लगा है। क्या आपको पता है नोबल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम नोबल पुरस्कार की अगली सीरीज जो लाएंगे उसमें आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन, जिसे नोबल का तेल कहते हैं। इसको नोबल का तेल क्यों कहा गया? क्योंकि डायनामाइट के निर्माण में इसका उपयोग किया गया था और इसको 1853 में जो है अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का निर्माण किया गया था। अब इसी कड़ी में हम अगले जो है विस्फोटक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्राइनाइट्रोटालुइन। यदि हम ट्राइनाइट्रोटालुइन की बात करें तो ट्राइनाइट्रोटालुइन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके से, ये ट्राइनाइट्रोटालुइन एक बहुत ही अच्छा क्या है, विस्फोटक माना जाता है। और इसको सबसे पहली बार जो है ब्रिटेन की सेना के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो इसका नाम यदि हम बोले तो इसका नाम है ट्राइनाइट्रोटालुइन। तो ट्राइनाइट्रोटालुइन TNT का पूरा नाम है। यदि हम इसके फार्मूले की बात करें तो ट्राइनाइट्रो कहाँ, तो जो है तीन रहेंगे NO2 समूह और तीन रहेंगे NO2 समूह रहेंगे और एक रहेगा मेथिल समूह। तो ये ट्राइनाइट्रोटालुइन का फार्मूला है। इसको सबसे पहली बार कौन इस्तेमाल किया? तो इसको सबसे पहली बार ब्रिटेन की सेना के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। तो TNT ट्राइनाइट्रोटालुइन, जिसका सूत्र होता है कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 समूह होता है और साथ में टालुइन जो है पूरे रिंग के साथ रहता है, इसको सबसे पहली बार ब्रिटेन की सेना के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। और अगला नंबर जो है RDX, यदि RDX की बात करें तो RDX बहुत ही खतरनाक आजकल का विस्फोटक माना जाता है। अब RDX बहुत ही खतरनाक विस्फोटक क्यों माना जाता है? यदि हम बात करें तो RDX पहली बात पूरा नाम पता होना चाहिए। R मतलब होता है रिसर्च और D मतलब होता है डेवलपमेंट और X मतलब होता है एक्सप्लोसिव। तो RDX का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX का पूरा नाम है। अब हम आपको बात करें RDX, तो इसका अगर हम जो है हम बात करें, ध्यान समझना, RDX का हम रासायनिक नाम की बात करें तो इसका नाम होता है ट्राइमेथिल ट्राइएमीन। इसके आगे लगाएंगे साइक्लो, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लो ट्राइमेथिल ट्राइएमीन। ये RDX का क्या नाम है? रासायनिक नाम है। तो RDX का रासायनिक नाम क्या है? तो बताएंगे साइक्लो ट्राइमेथिल ट्राइएमीन। अब यदि हम इसके उसकी बात करें, क्या कहते हैं, फार्मूले की बात करें, तो इसका फार्मूला किस प्रकार से बनेगा? यदि हम बात करें तो RDX का जो हम फार्मूला लिखेंगे, साइक्लो कहा तो साइक्लो आप बनाएंगे और कहा ट्राइमेथिल, तो तीन आपके पास रहेंगे मेथिल समूह और तीन क्या रहेंगे आपके पास एमीन समूह रहेंगे। ये RDX का जो है बन गया आपका फार्मूला। तो RDX का फार्मूला क्या होता है? तो साइक्लो ट्राइमेथिल ट्राइएमीन। अब बात यहाँ पर ये आई कि RDX को ट्राइमेथिल ट्राइएमीन जो साइक्लो के साथ में है, इसको हम लोग प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। तो प्लास्टिक विस्फोटक कौन है? तो प्लास्टिक विस्फोटक जिसको हम बोलते हैं वो और कोई नहीं, वो RDX ही है जिसको हम प्लास्टिक विस्फोटक कहते हैं, क्योंकि RDX के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो RDX के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग है, इसलिए हम इसको जो है प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से जानते हैं। अब
RDX जो होता है इसका उपयोग अलग अलग देश की जो है जनता के द्वारा अलग अलग नाम से RDX को जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइक्लोनाइट के रूप में RDX को साइक्लोनाइट के रूप में जो है USA में जाना जाता है। USA में RDX को साइक्लोनाइट के रूप में जाना जाता है। और जर्मनी में अगर हम पूछें तो हेक्सोजन, RDX को जो है हेक्सोजन के रूप में कहा जाता है, तो जर्मनी में RDX को हेक्सोजन के रूप में जानते हैं। और हम यही बात करें तो T4 के नाम से RDX को T4 के नाम से भी जाना जाता है, वो है इटली में। तो RDX के तीन अलग अलग नाम है, साइक्लोनाइट के रूप में USA में देखा जाता है, और हेक्सोजन के रूप में जर्मनी में, और T4 के रूप में इटली में देखा जाता है। यदि हम अब यहाँ पर जब विस्फोटक की बात कर ही रहे थे तो हम यदि आपसे क्वेश्चन पूछें, गन पाउडर जो होता है जो बंदूक को साफ करने के लिए किया जाता है उसमें कौन सा पदार्थ होता है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो विस्फोटक क्या है, एक्सप्लोसिव क्या है, एक्सप्लोसिव जिसमें स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जाएं होती हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए TNG, TNT और RDX जैसे बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोसिव होते हैं। आपको इन सब के बारे में कैसी जानकारियां लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। यदि आपको इससे थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं दिलीप यादव जो है इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद।